भारत देश में अनेकों मंदिर हैं और उनमें कई तरह की मान्यताएं हैं। आमतौर पर किसी भी मंदिर में सीधा स्वास्तिक बनाए जाने की परंपरा है। कहते हैं कि सीधा स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। अगर स्वास्तिक को उल्टा कर दिया जाए या ठीक से नहीं बनाया जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने वाले हैं, यहाँ स्वास्तिक तो बनाया जाता है लेकिन यह स्वास्तिक उल्टा बनाया जाता है और इसी वजह से यह मंदिर काफ़ी फेमस है। यह मंदिर खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में पेशवा मार्ग पर बना हुआ है, जिसका नाम है चिंतामन गणेश मंदिर। भगवान गणेश यहाँ अपने पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। अहिल्या फोर्ट के कमानी गेट और किले की दीवार से लगा हुआ यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। 1700 ईस्वी में किला निर्माण के पहले ही देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद तिवारी बताते हैं कि 300 साल से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर में उनके पूर्वजों को अहिल्याबाई होलकर ने पूजा करने के लिए मंदिर दान में दिया था। वे 7 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूरी होती है। भगवान गणेश के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं, मन्नत लेते हैं और पूरी हो जाने पर मन्नत उतारने के लिए वापस मंदिर पहुँचते हैं। पुजारी राजेंद्र प्रसाद यह भी बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। भक्त यहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी समस्याएं उन्हें बताते हैं। मनोकामनाएं मांगने के साथ ही दीवारों पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वापस मंदिर आकर स्वास्तिक को सीधा करते हैं। माना जाता है कि मन्नत पूरी हो जाने के बाद भक्त स्वास्तिक सीधा नहीं करते हैं तो उनके काम बिगड़ने लग जाते हैं। पुजारी का कहना है कि भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती है, यही नहीं महिलाओं की सूनी गोद भी यहाँ भरी जाती है। नाम है आपका? राजन प्रसाद तिवारी। ये कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है? चिंतामणि गणेश मंदिर, पेशवा मार्ग, महेश्वर। क्या कुछ इतिहास है इसका मंदिर का? यहाँ पे इनका नाम है चिंतामणि गणेश मंदिर। ये चिंताओं से मुक्त करते हैं, जो भी मान ले जाते हैं यहाँ से उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, उनका काम होने के बाद में वो यहाँ पर लड्डू चढ़ाते हैं, उनसे जो भी बने फिर यथाशक्ति में वो काम करते हैं। यदि मान नहीं देते हैं तो उनके यहाँ फिर ये खुद जाकर ऐसा उनको सपना जैसा आता है और ये खुद जाते हैं 6 महीने में और फिर उसको लौट कर वापस यहाँ आना पड़ता है। ये कितना पुराना मंदिर है? ये 300 साल से भी ऊपर हो गया था। किसने बनवाया था मंदिर? ये होलकर स्टेट टाइम का है, वैसे अहिल्या माँ साहब के नाम से चलता है। यहाँ पे ये जो गणेश जी अब बैठे हुए हैं, विराजमान है, ये उत्तरमुखी है और उत्तरमुखी इसलिए ने बैठाया है उन्होंने कि हर काम सिद्ध हो। ऐसा कोई से काम नहीं है कि जो सिद्ध नहीं होते। अभी कुछ निर्माण कार्य होना है क्या? हाँ, अभी यहाँ पे निर्माण का अभी विजयलक्ष्मी साधो विधायक जो है अभी फिलहाल में उन्होंने 5 लाख रुपए स्वीकृत किए। दीवार जो गिर गई है वो 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। अभी ये 8-15 रोज में या फिर ये अभी गणेश चतुर्थी 18 को आ रही है, उसके 18 के बाद में यहाँ पे फिर काम लगेगा। वैसे तो काम बहुत है यहाँ पे, पर आगे फिर ये गणेश जी की मर्जी। और आप कितने समय से यहाँ पूजा कर रहे हैं, आपके परिवार? हमारे परिवार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कितनी पीढ़ियाँ हो गई? हम 7 पीढ़ी हो गई मेरी। तो ये मंदिर जो है अहिल्या माँ साहब ने हमारे बाप दादाओं को दान में दे गए। किस तरह की यहाँ आयोजन अनुष्ठान होते हैं? यहाँ पे भादव के महीने में अभी जो भादव लगा है वहाँ पे यहाँ पे 56 भोग लगेगा, भंडारा होगा। मतलब गोदी भराई जाती? हाँ, लेट जो महिला जात रहती है, महिला जो जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, 8-10 साल हो जाते हैं शादी के, 7-4 साल हो जाते हैं, तो उनको गोदी भरी जाती है। गोदी भरने बाद में कुछ रकमें यंत्र दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में श्री गणेश जी की कृपा से उनके बाल बच्चा हो जाता है। पाटीदार गांव इटौदी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड के पाँव में ब्लड रुकने लग गया था, इसलिए मैंने मन्नत ली थी गणेश मंदिर में, तो मेरी मन्नत पूरी हुई और उनका पाँव का ऑपरेशन हो गया जल्दी और वह बहुत बढ़िया है। इसलिए 1 महीने में हो गई मन्नत भी पूरी, 1 महीने में ऑपरेशन भी हो गया था और ठीक भी हो गए। महक पाटीदार इटौदी। क्या मंदिर में कुछ मान्यताएं हैं? कुछ ली है मन्नत? हाँ, पहले ली है और वो पूरी हुई है हमारी मन्नत। क्या कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में? ये मंदिर बहुत पुराना है,
और यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। मन्नत के लिए क्या कुछ करना पड़ता है यहाँ पर? उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत पूरी करने के बाद उसको सीधा करते हैं, और जो भी मन्नत होती है लड्डू वगैरह जो भी मांग चढ़ाते हैं वो पूरी होती है फिर चढ़ाने के बाद। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।